खबर है भिलाई की, जहां नशे के खिलाफ दुर्ग पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए बड़ी मात्रा में ऑनरेक्स, विनकोरेक्स, अल्प्राकेन, अल्प्रावी, अल्प्राजोलम जैसी मादक एवं नशे के लिए उपयोग किए जाने वाले सिरप एवं टैबलेट बड़ी मात्रा में बरामद कर एक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इस मामले का खुलासा करते हुए शहर पुलिस अधीक्षक रोहित झा ने बताया कि एसपी प्रखर पांडे के निर्देश पर सीएसपी अजीत यादव और विवेश शुक्ला के साथ मिलकर पुलिस ने नशा मुक्ति अभियान के नेतृत्व में चलाए जा रहे नशा मुक्ति अभियान जियो खुलकर के तहत लगातार अवैध कारोबार के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। उसी क्रम में थाना प्रभारी नेवई के निर्देशन में उप निरीक्षक के एल्गोर द्वारा अनिल सिंह आजाद मार्केट को नशीली दवाओं के साथ गिरफ्तार किया गया। नशीली औषधि दवाइयों की कीमत कुल 7,340 रुपए को थाना नेवई पुलिस स्टॉप एवं औषधि निरीक्षक दुर्ग द्वारा संयुक्त कार्रवाई की जाकर थाना नेवई में एनडीपीएस एक्ट के तहत अपराध कायम कर विवेचना में लिया गया है। इसके अलावा पुलिस प्रशासन के द्वारा नशे के खिलाफ प्रचार प्रसार करने एवं जनता को जागरूक करने व नशे के आदि लोगों को पुनर्वास करवाने का कार्य किया जा रहा है एवं नशे के व्यापारी एवं अवैध व्यापार करने वालों के खिलाफ भविष्य में भी कार्रवाई की जा रही है। आम नागरिकों से अपील है कि इस अवैध नशे व्यापार को रोकने में पुलिस का सहयोग करें। जियो खुलकर नशा मुक्त अभियान के लिए जिला में प्रचार प्रसार एवं जागरूकता के लिए कार्रवाई जारी रहेगी। ओके, बताएंगे नशे का जो दुर्ग जिले में पुलिस अधीक्षक महोदय के नेतृत्व में नशा के खिलाफ जियो खुलकर एक अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत नशे की जो कारोबार हो रहा है, खरीद बिक्री हो रही है, उस पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी के तहत हमें सूचना मिली थी कि निवई क्षेत्र में अनिल सिंह पिता चंद्रिका सिंह जो रिसाली का रहने वाला है, उसके द्वारा नशे से संबंधित दवाइयां जो है वो ले जाया जा रहे हैं। सूचना पर निवई थाना प्रभारी के द्वारा कार्रवाई की गई और अनिल सिंह के कब्जे से अलग अलग सिरप, जिसमें ऑनरेक्स सिरप है, साथ ही साथ विनकोरेक्स सिरप है, टैबलेट्स जिसमें अल्प्राजोलम है, साथ ही साथ अल्प्राविन है, ये सारे टैबलेट्स अधिक मात्रा में जब्त किया गया और जब्त करने के बाद इसमें विधिवत कार्रवाई की गई है। ड्रग विभाग के ड्रग इंस्पेक्टर को भी बुलाया गया था और इसमें आरोपी को गिरफ्तार करके रिमांड पर भेज दिया गया है। यह अभियान हमारा लगातार चलता रहेगा। किसी भी व्यक्ति को अगर किसी प्रकार की कोई सूचना है तो इसमें हमारा एक नंबर जारी किया गया है जियो खुलकर अभियान के तहत, उस पर सूचना दे करके हमें बता सकते हैं, हम इस पर कार्रवाई करेंगे। क्या पता है पूछताछ में किस तरह के लोगों को सप्लाई करता था ये? इसने इससे पूछताछ की जा रही है और इसने जो आगे के क्लू बताए हैं उस पर भी पुलिस काम कर रही है और निश्चित तौर पर आने वाले समय में हम और भी कार्रवाई करेंगे। जो सर दिवाली का समय है, अभी बीएसपी के सेल कर्मियों को एक बोनस दिया जाता है जिसके बाद वो खरीदारी करने मार्केट में निकलते हैं, ठगी इसी समय सबसे ज्यादा होती है, ठगी को लेकर के किस तरह से अवेयर करेंगे और क्या जागरूकता पुलिस मीडिया के माध्यम से संदेश दी? देखिए, दीपावली का त्यौहार आ रहा है, हमारे देश में सबसे बड़ा त्यौहार है और इसमें लोग बड़े उमंग और उल्लास के साथ बाज़ारों में जाकर खरीदारी करते हैं। इसके लिए पुलिस की व्यवस्था बड़ी चाक चौबंद हम करने जा रहे हैं। सभी जगहों पर हम हमारी पुलिस के फिक्स पिकेट्स लगाएंगे, जो बड़े बाजार हैं वहाँ पर फिक्स पिकेट लगाया जाएगा, साथ ही साथ पेट्रोलिंग लगाई जाएगी, ट्रैफिक की भी पर्याप्त व्यवस्था की जाएगी। जो बड़े सराफा हैं और बड़े बैंक हैं, बैंक अधिकारियों की भी हम बैठक लेने वाले हैं, उनको भी हम हिदायत देने वाले हैं, साथ ही साथ बड़े बाजार और सराफा वालों की भी बैठक संबंधित नगर पुलिस अधीक्षक लेंगे और उनको सीसीटीवी कैमरा वगैरह ठीक कराने के लिए और जहाँ पर नहीं है वहाँ पर इंस्टॉल कराने के लिए प्रेरित करेंगे। साथ ही साथ आम लोगों से मैं ये अपील करना चाहता हूँ कि ऐसे समय पर सामान्य तौर पर बर्तन चमकाने, जेवर चमकाने वाले, साफ सफाई, कबाड़ी का सामान खरीदने वाले, फेरी वाले, ऐसे लोग आते हैं तो ऐसे लोगों से आप बचकर रहें। ऐसे किसी भी व्यक्ति को अपने घर के प्रमाइसेस के अंदर प्रवेश ना दें। साथ ही साथ आप अगर अपने घर से 2 या 3 दिनों के लिए बाहर जा रहे हैं तो कोशिश करें कि जो आपका मेन डोर है उसके बाहर पर्दा लगवाएं ताकि ताला अंदर छुपा हुआ रहे। सामान्य तौर पर ताला दिखते ही चोर उस पर अटैक करने की कोशिश करता है, तो इससे बचें। साथ ही साथ कोई भी व्यक्ति अगर अपरिचित अनजान आपके इलाके में घूमता हुआ दिख रहा है, संदिग्ध लग रहा है, तो आप पुलिस को उसकी सूचना दें। जो सर धारा 425 के तहत विपुल यादव नाम एक व्यक्ति गुरुवार को छावनी थाने में मारपीट के आरोप में गिरफ्तार किया गया, लॉकअप से आरोपी फरार हो गया, क्या कहना चाहिए?
डिटेल ले लेता हूँ, डिटेल नहीं है सर। आप किराएदार वाला बता दो, टोल फ्री नंबर या कोई नंबर जारी कर रहे हैं जिसमें आप अगर कोई संदिग्ध दिखता है तो आप। देखिए हमारे पास टोल फ्री नंबर, एक तो हमारा कंट्रोल रूम का नंबर है 9479192009, आप सीधे तौर पे इस पर दे सकते हैं, 100 पे डायल करके दे सकते हैं, साथ ही साथ पुलिस कंट्रोल रूम का नंबर है उस पर भी दे सकते हैं, और सभी जगहों पर सामान्य तौर पे थाना प्रभारी का नंबर सभी लोगों को पता होता है, उस पर भी सूचना दे सकते हैं। सर किराएदार को बैठक लिए थे, जाँच की उस पर बता दीजिए। अभी त्योहारी सीजन को देखते हुए पूरे ज़िले में एक साथ चारों सब डिवीज़न के राजपत्रित अधिकारियों के नेतृत्व में था, एक एक क्षेत्र को चिन्हांकित किया गया था, और कल सुबह 5 बजे से 9 बजे तक चेकिंग की कार्रवाई की गई थी, जिसमें चारों सब डिवीज़न के 4 क्षेत्र में लगभग 125 पुलिस कर्मियों की मदद से लगभग 1000 लोगों को चेक किया गया, साथ ही साथ उनको सुरक्षा संबंधी हिदायतें दी गई। यह अभियान हमारा आगे भी जारी रहेगा। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World class catering, centrally air conditioned, lush green lawns, state of the art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।